हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टीडीएस की एंट्री कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में आज हम देखेंगे। तो टैली प्राइम में एक ऐसी एंट्री पास करनी है, जैसे मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया किसी बैंक में, ठीक है, और बैंक ने आपको ब्याज दिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया और बैंक ने आपको 2 लाख उस पर ब्याज दे दिया, तो यानी कुल अमाउंट हो गया 7 लाख रुपए। ब्याज का जो अमाउंट हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट जो मिला उस पर आपको टीडीएस पे करना है, ठीक है। जो अभी करंट रूल एंड रेगुलेशन चल रहा है, अगर एक साल में आप 40,000 से ज्यादा ब्याज कमाते हैं एफडी के द्वारा तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड पर ऐसा नहीं होता, म्यूचुअल फंड पर बहुत कम ब्याज देना होता है आपको, लेकिन एफडी पर ज्यादा ब्याज देना है। अब भाई ये बात मेरे समझ में नहीं आती है, गरीब आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो बैंक में जाएगा और बैंक में पैसा जमा कर देगा, पोस्ट ऑफिस में भी जमा करता है, पोस्ट ऑफिस में आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है, लेकिन बैंक में अगर जाता है वो तो बैंक में काट लिया जाता है, तो टीडीएस कटेगा, तो उसी की एंट्री हमें पास करनी है। तो चलिए यहाँ से बी प्रेस कर देते हैं और जर्नल वाउचर में आ जाइए। जर्नल वाउचर में आने के बाद आपको सबसे पहला लेजर इंटरेस्ट का बनाना है, जो आप इंटरेस्ट पाएंगे तो उसका लेजर आपको बनाना है, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, एंटर प्रेस करेंगे और ये बैंक के लिए होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में डाल करके एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे, यहां पर टीडीएस को आपको ऑन करना है, तो एप्लीकेबल कर दीजिएगा। एप्लीकेबल करने के बाद यहां पर आपको कर क्या रहे हैं वो देख लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है, यहाँ पे जाके बना लीजिए या ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके बना लीजिए, या आप इसे एनी भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है लाइक कमी इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिख देता हूं इंटरेस्ट, एंटर प्रेस करते हैं, सेक्शन 80C है, 80C, तो यहाँ पे 80C डाल दीजिए आप, और एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पे पेमेंट कोड आप डाल सकते हैं। तो अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं टैली का, लाइक अगर आप ओरिजिनल यूज कर रहे हैं टैली, जैसे मैं तो एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप अगर ओरिजिनल यूज कर रहे हैं तो आपको पेमेंट कोड वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा, इवन सेक्शन भी शो कर देगा, ठीक है। रिमिटेंस कोड यहाँ डाल दीजिए और एंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए। यहाँ पे 10% कटेगा विथ पैन, ठीक है, तो यहाँ पे 10% कर दीजिए, और नीचे भी आपको 10% ही रखना है। थ्रेश होल्ड लिमिट आएगा नीचे, तो थ्रेश होल्ड लिमिट आप यहाँ पे दे दीजिए 50,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 रुपए मैं कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराता हूँ। यहाँ पे बैंक की डिटेल चाहे तो डाल सकते हैं, यहाँ पे बैंक की डिटेल और पैन कार्ड की डिटेल चाहे तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ई फंड ट्रांसफर, और यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह डाल करके, और फिर आप चाहे तो ओके कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला है, तो मान लीजिए 2 लाख रुपया इंटरेस्ट मिला है हमको, ये हो गया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे, तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर मैं बना लेता हूँ, लाइक रीना नाम लिख दीजिए, और यहाँ पे पहचान के लिए सी लिख दीजिएगा ताकि पता चलता रहे कि क्रेडिटर पार्टी। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, संडे क्रेडिटर ग्रुप में इसे डाल देंगे। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाएं तो टीडीएस को एप्लीकेबल जरूर करें। यहाँ पे लिखा हुआ है इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ पर अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें करना है ई कर सकते हैं या कंपनी रेजिडेंस कर सकते हैं, तो कंपनी रेजिडेंस कर देते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, और सेम वाउचर में हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर बैंक की डिटेल डालना कंपलसरी है, और यहाँ पर पैन कार्ड डालना तो अति कंपलसरी है, तो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इनका बता देता हूँ, AISPTPT4504C। यहाँ पे यस कर दीजिए प्रोवाइड पैन डिटेल को, और एंटर प्रेस कर दीजिए और एक्सेप्ट करा दीजिए इसको। अब ये काम हो गया आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,80,000 रुपया यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया गया है जो टीडीएस काटना है, 10% के हिसाब से डिडक्ट हुआ है, तो 2 लाख पे 10%, 1,80,000 आ गया है क्योंकि 2 लाख था। अब यहाँ पे नीचे क्रेडिट आएगा आपका, तो क्रेडिट किसे करना है, तो टीडीएस का एक लेजर बना लीजिए अगर आपने नहीं बनाया तो, ठीक है, तो यहाँ पे बना लीजिए टीडीएस, तो यहाँ पे लिखिएगा टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लिख दीजिए, टीडीएस हम बना चुके हैं तो ये लेगा नहीं, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कर दीजिए,
एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के कैटेगरी में डाल दीजिएगा। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के कैटेगरी में इसे डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और टीडीएस ही है ये, और यहां पर कर दीजिएगा। अगर कोई देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो ये नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपने बनाया है तो आप दे भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 20,000 ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर टीडीएस आ गया है। और आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि यहां पे टीडीएस किस तरह से डिडक्ट किया गया है। और अगर आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप भी ये काम कर सकें, टीडीएस वाली एंट्री पास कर सकें इजिली। तो इस तरह का कोई काम अगर आपको मिलता है तो बहुत पेशेंस से आप काम करें, बहुत आसानी के साथ आप काम कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।